नमस्कार, आज आपको क्या सुनाए चैनल भले ही आपसे रोज यही सवाल करता हो, लेकिन आज का दिन तो ईश्वरी भक्ति में लीन होने का दिन है। महाराष्ट्र में आषाढ़ महीने में आने वाली एकादशी का एक अपना अलग ही महत्व है। भगवान विट्ठल के अनुयायी महाराष्ट्र में स्थित पंढरपुर तक मीलो यात्रा कर दर्शन लेने जाते हैं। इस यात्रा को वारी और भक्तों को वारकरी और भगवान विट्ठल को संबोधन दिया जाता है माउली। पंडित भीमसेन जोशी इस नाम से हमारे सभी श्रोता परिचित हैं। उनके प्रति सम्मान तो जैसे घर में बड़े बुजुर्गों के लिए होता है वैसा ही है। भीमसेन जोशी जी ना केवल शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी अभंग गाने की एक अपनी अलग विशिष्ट शैली थी। ईश्वर भक्ति में डूबे उनके स्वर हमें हमारे अंदर बसे ईश्वर से मिलवा देते हैं। आप में से अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे कि भीमसेन जोशी जी के अभंग मतलब महज ईश्वरी अनुभूति। देखी ली पंढरी देही जनी वनी, एका जनार्दनी वारी करी, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। आपका अधिक समय ना लेते हुए अभंग की तरफ बढ़ते हैं। सुनील जी से सुनिए ये भगवान पांडुरंग अर्थात भगवान विठ्ठल का अभंग, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। उन श्रोताओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब करने की विनती, और भक्ति रस में लीन होकर आप ये भजन सुने, लेकिन बाद में लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल।
वेणुनाद हाथी वेणुनाद शोभत से काया ही पंढरी आत्महा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्महा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्महा विठ्ठल इंद्रियांचा एक मेळा केला दश इंद्रियांचा एक मेळा केला ऐसा गोपाळ काला ऐसा गोपाळ काला ऐसा गोपाळ काला होत असे काया ही पंढरी आत्महा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्महा विठ्ठल देखिली पंढरी देही जनी मनी देखिली पंढरी 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 देखिली पंढरी देही जनी मनी हेलो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग और आशा करता हूँ कि ये गाना आपको पसंद आया होगा धन्यवाद।